आज एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ CG100 पे। ये है CG100 का BDM4 का अडेप्टर। इसमें एक नंबर इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये ऊपर का ग्रिप है, ऊपर एक यहाँ पे ग्रिप लगता है, उसमें से वायर निकलती है। मैंने अंदर से ही लगा ली क्योंकि बार बार वो ग्रिप कई बार खींचने की वजह से कोई वायर टूट जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अंदर से ही लगवा ली है क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी पुराना सेटअप है ये। देखिए ये कलर कोड के हिसाब से हम इस पे काम करेंगे। ये है एक्सेंट की पावर जो अपनी सॉरी एयरबैग का मॉड्यूल। ये है मतलब आइटन ग्रैंड में भी सेम है, इसके पीछे की तरफ कनेक्शन रहते हैं। इसका आपको मैं पार्ट नंबर दिखाता हूँ। ये है 9591024000। ये नंबर की ऑटो लिफ्ट की जो इसमें डेटा डाल के ही काम होता है इसमें। ये हमारे पास वर्जन डेटा भी मिल जाएगा आप डायरेक्टली कोड इसमें। हाँ तो एक बात और, एयरबैग का डेटा डालने के बाद ये गाड़ी में भी कोड करनी पड़ती है। गाड़ी में एक ACU का नंबर निकलता है, वो आप स्कैनर के साथ पहले भी रीड करके इंफॉर्मेशन में जाके निकाल सकते हो। और आप जैसे ही आप की कोडिंग के लिए मतलब पिन कोड निकलवाते हो चासिस नंबर देके, वैसे भी निकल सकते हैं। वैसे तो जनरली आप स्कैनर के साथ पहले रीड करने से पहले एक बार निकाल लो तो अच्छा रहता है। ये है हमारा CG100 का सेटअप। बाकी मैं इसकी आपको कनेक्शन के साथ डिटेल बताता हूँ। ये हमारी एशियन कार हुंडई सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये पड़ा है इसका मॉडल 9591000। इसमें XC2336A56F ये नंबर की चिप है। ये देखिए BDM4 हमें यूज़ करना है। ये साथ ही के साथ सारा कुछ बता भी देता है, कैसे भी कर सकते हो इसमें। आप अपने हिसाब का जैसे आपका मॉड्यूल है वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये रहा हमारे वाला मॉड्यूल, ये वाले कनेक्शन हमें लगाने हैं। जैसे जैसे हमने बताया गया 12 नंबर हमेशा ग्राउंड रहता है इसका, और एक नंबर पे पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव कनेक्शन हमारा 3 बार लगेगा इस पर। ये वाला कनेक्शन है जो ये शॉर्ट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है बंदा एक बार एक पिन पे लगा लेता है, शॉर्ट नहीं होता है जो अंदर से बोर्ड में, हमें शॉर्ट करके इस पर फिर काम करना होता है तो ही ये रीड हो पाएगी। बाकी चलो हम मैं आपको कनेक्शन करने के बाद इसका पूरा ब्यौरा देता हूँ कि भाई ये कैसे करना और कैसे हम डेटा इसमें उठा रहे हैं। अभी मैं आपको मर्ज करके बताऊंगा वीडियो, आप देखते रहिए। देखिए ये कनेक्शन हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये रेड वाली में 2 शॉर्टेज है और एक यहाँ पे रेड वाली लास्ट वाली इसमें भी 2 पिन शॉर्टेज है। ठीक है, एक बार यहाँ पे लगेगी रेड वाली, बाकी ये है हमारा नेगेटिव। ये येलो कलर में भी पॉजिटिव ही आता है। अभी हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट बटन को क्लिक करो। अभी देखिए ये हमसे पूछेगा कि भाई आपकी 72F है, ये मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, या 56F वाली। हमारी 56F वाली है। ये IC नंबर पे देख के आप कंफर्म कर सकते हैं। ये वीडियो में नहीं शो होगा क्योंकि ये काफ़ी बारीक अक्षर में लिखा होता है। अभी इसको ओके दबाएंगे। ये रीड होने लग गया है अभी।
देखिए, ये जब भी रीड और राइट करता है ये आपको ब्लिंकिंग शो करेगी। अभी ये BDM डिस्कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी दिखाएगा, देखिए। हाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, एक्सेंट ओके। देखिए ये एयरबैग का डेटा बिल्कुल ओके था, ये सिर्फ मैंने इसलिए निकाला कि सिर्फ एक वीडियो बनाने की, बस कि मैं आपको बता पाऊँ कि भाई CG100 के साथ कैसे काम हो रहा है। अगर आपको मान लो बाई चांस किसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो भी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो आप हमें एक कॉल कर सकते हो, हम आपको डेटा भी प्रोवाइड कर देंगे। एक्सेंट और आइटन ग्रैंड में सेम है, बाकी कैसे कोड करनी है वो भी मैं, अगर मेरे पास कोई गाड़ी आई तो मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि अभी ये तो ओके है। अगर कोई और गाड़ी कोई एयरबैग का काम करने के लिए आती है, एयरबैग कैसे इंस्टॉल करने हैं शुरू से लेके एंड तक, वो सारी मैं वीडियो बनाऊंगा। और आज के लिए इतना ही है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो। थैंक यू।